Welcome to Studygo with Zenith. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी. उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी एंड सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी. बेसिकली आज के वीडियो का टारगेट है एक क्वेश्चन कवर करना मेंस का, जो कि आता है इस तरीके से कि भाई फॉरेन जजमेंट क्या होता है और ये कब कंक्लूसिव होता है. तो ये क्वेश्चन आपका आज के वीडियो में कवर हो जाएगा. मेंस में ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेन जजमेंट की, क्या होता है फॉरेन जजमेंट, तो सिंपली सेक्शन 2 जो है सीपीसी का और उसका जो 6 क्लोज है, सेक्शन 2 का 6 क्लोज जो है सीपीसी का, वहां पर फॉरेन जजमेंट को डिफाइन किया गया है. कहा ये क्या है बिल्कुल सिंपली कि भाई फॉरेन जजमेंट का मतलब होता है जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, यानी कि जो फॉरेन कोर्ट है, जो विदेशी न्यायालय है, उसका जो निर्णय है, उसका जो जजमेंट है, वही है फॉरेन जजमेंट. अब यहां पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई फॉरेन कोर्ट कौन होता है. तो फॉरेन कोर्ट आपका सेक्शन 2 के 5th क्लोज में डिफाइन है कि भाई कोई भी कोर्ट फॉरेन कोर्ट तब होगी जब यहाँ पर जो दो कंडीशंस हैं जो अभी हम बताएंगे वो फुलफिल करेगी. तो पहली कंडीशन ये है कि भाई वो कोर्ट सिचुएट होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, एंड वो कोर्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके द्वारा ना तो इस्टेब्लिश होनी चाहिए ना ही कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए. तो भाई वो कोर्ट जो कि इंडिया के आउटसाइड है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना तो वो इस्टेब्लिश्ड है और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूटेड है, देन वो कोर्ट आपकी फॉरेन कोर्ट कहलाएगी. और फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो आपका अंडर सेक्शन 2 क्लोज 6 ऑफ सीपीसी फॉरेन जजमेंट कहलाएगा. यहां पर इतना तो कवर हो गया है कि भाई फॉरेन जजमेंट क्या होता है. ये चीज आप लिख कर आ सकते हैं कि फॉरेन जजमेंट वो जजमेंट है जो कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है. फॉरेन कोर्ट मतलब वो कोर्ट जो कि इंडिया के आउटसाइड है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना तो इस्टेब्लिश्ड है ना ही कॉन्स्टिट्यूट की गई है. तो भाई वो आपकी फॉरेन कोर्ट है और उसका जजमेंट फॉरेन जजमेंट है अंडर सेक्शन 2. नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जाता है कि भाई फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव होगा, उसका आंसर करने के लिए आप सेक्शन 13 को पहले अच्छे से पढ़ेंगे कि कहता क्या है सेक्शन 13. सेक्शन 13 जनरली पहले ये कहता है कि भाई सेम पार्टीज के बीच में या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव सेम टाइटल के तहत लिटिगेट कर रहे हैं उनके बीच में अगर कोई मैटर क्या किया गया है, डायरेक्टली एडजुडिकेट किया गया है, कोई मैटर डायरेक्टली जुडिशियली डिटरमाइन किया गया है, तो भाई उस मैटर के संबंध में आपका जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव होगा. पहले तो इन्होंने ये कह दिया, फिर इसके बाद कुछ एक्सेप्शन दिए हैं जिनके तहत आपका फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा. तो पहला एक्सेप्शन यही है कि भाई अगर फॉरेन जजमेंट जो है वो ऐसी कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया गया है, ऐसी कोर्ट ने फॉरेन जजमेंट दिया है जो कि कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट नहीं थी, जो कि सक्षम अधिकारिता वाली न्यायालय नहीं थी, उसने अगर जजमेंट को प्रोनाउंस किया है तो तब वो फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा. अगर इसका अपोजिट होता है, मतलब अगर ऐसा होता है कि कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाली कोर्ट ने जजमेंट प्रोनाउंस किया है तो तब कंक्लूसिव होगा. दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर फॉरेन जजमेंट केस की जो मेरिट्स हैं उनके आधार पर नहीं दिया गया है तो तब वो कंक्लूसिव नहीं होगा. अगर ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस दिया गया है फॉरेन जजमेंट तो तब वो कंक्लूसिव होगा. नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि भाई अगर ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स ये अपीयर होता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ का जो व्यू है उसको इनकरेक्ट तरीके से इस्तेमाल करके आपका फॉरेन जजमेंट दिया गया है, या फिर ये अपीयर होता है कि जो केस है वहाँ पर इंडियन लॉ अप्लाई होता था लेकिन उसको अप्लाई करने से, उसको रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज़ करके आपका अगर फॉरेन जजमेंट दिया गया है तो भाई वो तब भी कंक्लूसिव नहीं होगा. अगर इसका अपोजिट होता है तो तब भाई कंक्लूसिव होगा. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई अगर जो प्रोसीडिंग चलाई गई थी जिसमें जजमेंट ऑब्टेन किया गया है वो अगर नेचुरल जस्टिस के अपोजिट में थी, अगर वो नेचुरल जस्टिस का अपोज करते हुए की गई थी, तो इन दैट सिचुएशन
आपका जो जजमेंट है फॉरेन जजमेंट वो कंक्लूसिव नहीं होगा। अगर नेचुरल जस्टिस के जो नियम है, जो कानून है, जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका पालन करके प्रोसीडिंग्स में अच्छे तरीके से उनको पालन करके प्रोसीडिंग चलाई गई और जजमेंट दिया गया, तो तब आपका फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा, अन्यथा कंक्लूसिव नहीं होगा। नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल हैं वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में, जो कि आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर जो फॉरेन जजमेंट है वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है तो तब भी वो कंक्लूसिव नहीं होगा। अगर फ्रॉड से ऑब्टेन नहीं किया गया है तब कंक्लूसिव होगा। नेक्स्ट, अगर ये जो फॉरेन जजमेंट है वो इंडिया में जो लॉ एनफोर्समेंट में है उसको ब्रीच करते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए, उसे भंग करते हुए किसी क्लेम को क्या करता है, ठीक ठहराता है, सस्टेन करता है, तो तब भी आपका जो फॉरेन जजमेंट है वो कंक्लूसिव नहीं होगा। और अगर इसके अपोजिट होता है तो तब कंक्लूसिव होगा। तो यहाँ पर सेक्शन 13 में क्लोज ए से लेकर ई तक जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स में अगर कोई फॉरेन जजमेंट फॉल होता है तो तब वो फॉरेन जजमेंट उस मैटर के बारे में जो कि उस जजमेंट में क्या किया गया है, एडजुडिकेट किया गया है, जुडिशियली डिटरमाइन किया गया है, तब वो फॉरेन जजमेंट उस मैटर के बारे में क्या नहीं होगा, कंक्लूसिव नहीं होगा। ये बात हेल्ड हुई थी सत्या वर्सेस तेजा सिंह 1975 के केस में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या जो फॉरेन कोर्ट के द्वारा डिक्री पास की गई है वो इंडिया में एग्जीक्यूट हो सकती है, तो भाई इस चीज़ के लिए आप सेक्शन 43 से लेकर 44A तक के जो प्रोविज़न दिए गए हैं सीपीसी में, उनकी कंबाइन रीडिंग करके आंसर करोगे कि हाँ, इंडियन कोर्ट जो है उनको पावर है टू एग्जीक्यूट द डिक्रीज को एग्जीक्यूट करने की, वो भी कौन सी डिक्री को एग्जीक्यूट करने की, उन डिक्री को एग्जीक्यूट करने की जो कि पास की गई है उन इंडियन कोर्ट्स के द्वारा जिनके ऊपर सीपीसी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। और ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 43 ऑफ सीपीसी में। और उन कोर्ट्स के द्वारा पास की गई डिक्री को भी इंडियन कोर्ट एग्जीक्यूट करा सकती हैं जो कि इंडिया के आउटसाइड सिचुएट करती हैं और जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई जो आपकी इंडियन कोर्ट हैं वो उन डिक्री को भी एग्जीक्यूट करा सकती हैं जो कि पास की गई हैं बाय द रेवेन्यू कोर्ट इन इंडिया टू विच द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी डू नॉट अप्लाई। यानी कि जो रेवेन्यू कोर्ट हैं इंडिया में जिनके ऊपर सीपीसी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई डिक्री पास की जाती है तो उन डिक्री को भी एग्जीक्यूट कराने की पावर है इंडियन कोर्ट्स के पास, और ये पावर है इंडियन कोर्ट्स के पास अंडर सेक्शन 44 ऑफ सीपीसी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सुपीरियर कोर्ट ऑफ एनी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। अगर कोई सुपीरियर कोर्ट है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का, तो उसके द्वारा अगर कोई डिक्री पास की गई है तो उसको भी एग्जीक्यूट कराने की पावर है इंडियन कोर्ट्स के पास। और ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है ये आपका सेक्शन 44A ऑफ सीपीसी में कवर होता है। अब यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब क्या है, इस चीज़ को बताया गया है सेक्शन 44A के एक्सप्लेनेशन 1 में कि भाई जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी है उसका मतलब है कोई भी कंट्री या फिर कोई भी टेरिटरी जो कि आउटसाइड इंडिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट क्या कर सकती है, जिसको रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी सेक्शन 44A के पर्पस के लिए डिक्लेयर कर सकती है, वो होगी आपकी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। और ऐसी टेरिटरी के संबंध में रेफरेंस में सुपीरियर कोर्ट का मतलब है सच कोर्ट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के तहत जिस भी कोर्ट को एज अ सुपीरियर कोर्ट क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, तो वो आपकी सुपीरियर कोर्ट होगी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के लिए। रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का मतलब यही है कि भाई
वो टेरिटरी या फिर वो कंट्री जो कि इंडिया के आउटसाइड है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन पास करके ऑफिशियल गजट में सेक्शन 44A के पर्पस के लिए रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर कर सकती है। तो यहाँ पर जो कोड्स हमने आपको बताए, इन कोड के द्वारा अगर कोई डिक्री पास की जाती है तो इंडियन कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको एग्जीक्यूट करा सकती हैं। अब अगर हम सेक्शन 14 की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि फॉरेन जजमेंट के बारे में कोर्ट क्या प्रिजम्पशंस लगाएगा, क्या उपधारणाएं लगाएगा। तो बेसिकली आपको अगर मैं याद दिलाऊं सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर याद नहीं रहा है तो आई बटन पर वीडियो मिल जाएगा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में तीन टर्म्स डिफाइन है, एक है आपका मे प्रिज्यूम, एक है आपका शैल प्रिज्यूम और एक है आपका कंक्लूसिव प्रूफ। तो यहाँ पर शैल प्रिज्यूम इस टर्म की बात की गई है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में लिखा है कोर्ट शैल प्रिज्यूम, तो कहने का मतलब यही है कि कहीं पर अगर ये शब्द यूज हुआ है कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, कोर्ट किसी तथ्य को प्रिज्यूम करेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि कोर्ट उसको रिगार्ड करेगी प्रूव्ड जब तक कि उसको डिसप्रूव नहीं कर दिया जाता है। तो सेक्शन 14 में लिखा है कि अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट प्रपोर्टिंग टू बी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट, अगर कोर्ट के समक्ष कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है और वो डॉक्यूमेंट किसी फॉरेन जजमेंट की क्या है, सर्टिफाइड कॉपी है, तो तब कोर्ट उस जजमेंट के बारे में ये प्रिज्यूम करेगी कि भाई वो जजमेंट कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया गया है जब तक कि ऑन द रिकॉर्ड कॉन्ट्ररी अपीयर नहीं हो जाता है। और यहाँ पर ये जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि भाई ये जो प्रिजम्पशन सेक्शन 14 के तहत कोर्ट लगा रहा है इसको रिवर्ट किया जा सकता है, इसको डिस्प्लेस किया जा सकता है बाय प्रूविंग वॉन्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ये प्रूव करके कि भाई जुरिस्डिक्शन का अभाव था, जुरिस्डिक्शन था ही नहीं उस कोर्ट का जिसके जुरिस्डिक्शन के बारे में आप प्रिजम्पशन लगा रहे हैं कि भाई ये जजमेंट जो दिया गया है वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो भाई ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है, हमारे पास प्रूफ है इस चीज़ का कि भाई उस कोर्ट के पास इस जजमेंट को देने का जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, यानी कि जुरिस्डिक्शन का अभाव प्रूव करके सेक्शन 14 के तहत जो कोर्ट प्रिजम्पशन लगा रहा है फॉरेन जजमेंट के बारे में उसको रिवर्ट किया जा सकता है, उसको डिस्प्लेस किया जा सकता है। यहाँ पर ये टर्म जो यूज हुआ ना सर्टिफाइड कॉपी, इसके संबंध में इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 76 जो दे रखा है वो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा और हमने एक वीडियो में पढ़ाया हुआ भी है तो वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि फॉरेन जजमेंट क्या होता है और वो कब कंक्लूसिव नहीं होता है और कब कंक्लूसिव होता है, और फॉरेन कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पास की जाती है क्या उसको इंडियन कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और लास्ट में हमने आपको बताया फॉरेन जजमेंट के बारे में क्या प्रिजम्पशंस कोर्ट के द्वारा लगाई जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही आपको बता दूं कि जो CPC के वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसकी जो ईबुक है, हमारी वीडियोज लेक्चर की जो ईबुक है वो हम तैयार कर रहे हैं साथ साथ में ही, तो लगभग नवंबर तक वो तैयार हो जाएगी। अगर आपको वो ख़रीदनी है तो उसका प्राइस 100 रुपीज़ रहने वाला है, आप उसको ख़रीदने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और IPC के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे, उसकी भी ईबुक अवेलेबल है, उसको ख़रीदना है आपने तो उसके लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं। और हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके जो हमारे लेक्चर हैं सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 167 तक के, उसका भी ईबुक अवेलेबल है, ईबुक मतलब PDF नोट्स, ठीक है, वो अवेलेबल है। अगर आपको ख़रीदने हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें आप मेल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।